लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी से यही कहना चाहता हूं कि बदले की राजनीति छोड़कर बदलाव की राजनीति करिए। इतनी सत्ता होने के बाद भी आज एक छोटी सी पार्टी को खत्म करने के लिए भाजपा पूरी तिल मिलाई हुई है और सारी एजेंसी के सारे घोड़े आम आदमी पार्टी के नेताओं पे छोड़ दिए, एक एक करके पकड़ के जेल में डालो। बदले की राजनीति बीजेपी ने शुरू करी है, जिसकी पोल खोल आज हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके सामने करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि कुछ भी कर आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। बीजेपी को अगर किसी से डर लगता है तो आम आदमी पार्टी से लगता है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि कुछ भी कर आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। बीजेपी को अगर किसी से डर लगता है तो आम आदमी पार्टी से लगता है, अरविंद केजरीवाल से लगता है। और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की इस कवायद में फर्जी केसेस हमारे नेताओं पर डालकर उन्हें जेल में बंद कर एक नई प्रकार की बदले की राजनीति बीजेपी ने शुरू करी है, जिसकी पोल खोल आज हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके सामने करेंगे। सीबीआई और ईडी के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ मन घड़ंत कहानियों के अलावा, मनोहर कहानियों के अलावा रत्ती भर भी सबूत नहीं है। ना केस है, ना मेरिट्स है, ना एविडेंस है, ना रिकवरी है, ना प्रोसीड्स मिले हैं। एक भी चीज नहीं है किसी भी मुकदमे के लिए, किसी भी केस के लिए। चार पांच मोटे मोटे तौर पे इंग्रेडिएंट्स, पदार्थ चाहिए होते हैं। एक मजबूत केस होना होता है, सबूत होने होते हैं, केस में मेरिट्स होने होते हैं, कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी होनी होती है, कोई ट्रेल होती है, कोई गवाह होते हैं, एक पूरी केस की एक ढांचा होता। मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ रत्ती भर भी केस नहीं है, सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, प्रोसीड्स नहीं है। अभियुक्त को दोषी करार दिलवाने का, कन्विक्शन की ओर मुकदमे को ले जाने का, सबूत पेश करने का, गवाह पेश करने का है ही नहीं। मकसद है फर्जी केस डालो और जांच के नाम पर, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जेल में रखो नेताओं को। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखो और उनसे सवाल जवाब करने, गवाहों से आमना सामना करवाने की आड़ में उन्हें महीनों महीनों जेल में रखो। एक ही मकसद है भारतीय जनता पार्टी का कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर ना निकल पाए। और उसी मकसद के चलते आज ये प्री ट्रायल बेल ना मिले, प्री ट्रायल जेल मनीष सिसोदिया जी को मिल जाए, इस पॉलिसी पे केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार लगातार चल रही है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि ये पूरा केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ का। इट इज अ क्लासिक केस ऑफ अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। एजेंसियों का दुरुपयोग करके, कानून से छेड़छाड़ करके, जांच की आड़ में महीनों महीनों मनीष सिसोदिया को जेल में रखो। कोई नया सवाल नहीं पूछो, कोई सबूत है ही नहीं तो सबूत क्या दिखाओगे, कोई गवाही नहीं है तो गवाहों के से आमना सामना क्या करवाओगे। दिन में मुश्किल से डेढ़ दो घंटे की अफसर बातचीत करते हैं, लेकिन बस मकसद एक है कि मनीष सिसोदिया को जेल में रखो। ये एक भारतीय जनता पार्टी की मानसिक हालत भी दिखाती है कि इतनी प्रचंड बहुमत होने के बाद भी, इतनी सत्ता होने के बाद भी आज एक छोटी सी पार्टी को खत्म करने के लिए भाजपा पूरी तिल मिलाई हुई है और सारी एजेंसी के सारे घोड़े
आम आदमी पार्टी के नेताओं पे छोड़ दिए, एक एक करके पकड़ के जेल में डालो, कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, खौफ खाती है, अरविंद केजरीवाल जी से डरती है, और इसी के चलते आज मनीष सिसोदिया जो हमारे सीनियर लीडर हैं, अरविंद केजरीवाल जी के दाहिने हाथ हैं, वो बाहर ना आ पाए, वो जेल में रहें, इसके चलते जांच की आड़ में ना सबूत होते हुए, ना गवाह होते हुए, ना सवाल होते हुए ज़बरदस्ती उन्हें जेल में रखने की कवायद भारतीय जनता पार्टी ने रची है। अंततः सत्ता सच्चाई की जीत होगी, अंततः सत्यमेव जयते होगा, लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी से यही कहना चाहता हूं कि बदले की राजनीति छोड़कर बदलाव की राजनीति करिए। बदले की राजनीति बहुत हो गई, देश ने देख लिया आपके बदले का चेहरा, बदले की राजनीति छोड़कर बदलाव की राजनीति पे आइए। यही लंबी लिस्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील कोर्ट में पेश करते हैं, कहते हैं 7 दिन की रिमांड और चाहिए, हमने सुबह से शाम तक इनसे पूछताछ करनी है, दर्जनों लोगों से इनका आमना सामना कराना है, और जांच को हमने पूरा करना है। जब रिमांड मिलती है तो पता लगता है कि 7 दिन में मात्र 15 घंटे के सवाल जवाब होते हैं, औसतन 2-2.25 घंटे प्रतिदिन, गवाहों से आमना सामना कराने के लिए दर्जनों नाम जो कोर्ट में दिए जाते हैं उनमें से मात्र 3 लोगों से आमना सामना कराते हैं 7 दिन में, रोजाना किसी एक नए गवाह से भी आमना सामना नहीं कराते। अब कहते हैं उन्हीं गवाहों से वापस आमना सामना कराना है। अगर ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है तो क्या है? मकसद एक है कि मनीष सिसोदिया को जेल में रखो, फर्जी मुकदमे करो, फर्जी आरोप लगाओ, और जांच की आड़ में मनीष सिसोदिया को जेल से ना निकलने दो। आज मनीष सिसोदिया जी जेल में इसलिए नहीं है कि कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है, वो जेल में इसलिए हैं कि बीजेपी की एजेंसी जांच की आड़ में कहती है कि हमें उन्हें जेल में रख के सवाल पूछने हैं। आपको यह फर्क समझना होगा। आज मनीष सिसोदिया जी कन्विक्ट नहीं है, उन्हें सजा नहीं हुई है कोर्ट में, ये एजेंसियां जांच की आड़ में मनीष सिसोदिया को जेल में रखना चाहती हैं, और जांच को कैसे लंबा किया जाए, 10-10 दिन की रिमांड लेकर दिन में 1 घंटे की पूछताछ करो, दर्जनों नाम दे दो कि इनसे आमना सामना कराना है, मात्र 2 लोगों से आमना सामना कराओ, और कोर्ट में आकर रिमांड एप्लीकेशन डालकर कहो 10 दिन और चाहिए, 10 दिन और चाहिए, 10 दिन और चाहिए। मकसद यही है कि मनीष सिसोदिया जेल से ना निकले। ये एजेंसियों का दुरुपयोग जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि हर दिन समान नहीं होता। इंदिरा गांधी को भी लगता था कि वो कभी सत्ता से बाहर नहीं होंगी, हमेशा सत्ता पे काबिज रहेंगी। आज भी जो लोग सत्ता नशी हैं उन्हें यही गलत फहमी है कि हम लोग भी सत्ता से बाहर नहीं होंगे। कल को अगर विपक्ष के किसी राजनीतिक दल की सरकार बन गई और उसके हाथ में ईडी सीबीआई आ गई तो फिर क्या होगा? तो फिर तो इस देश में बदले की राजनीति चलेगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं बीजेपी को, बदले की राजनीति छोड़कर बदलाव की राजनीति करो। बीजेपी कहती है कि कोई शराब घोटाला हो गया है देश की राजधानी में और 10,000 करोड़ का एक घोटाला है। 10,000 करोड़ रुपए में से 10 रुपए भी बीजेपी की एजेंसियों को आज तक नहीं मिले। रोज आए दिन आप देखते हैं जहां रेड होती है वहां करोड़ों रुपए नकद राशि मिलती है, करोड़ों की गाड़ियां, करोड़ों की संपत्ति बरामद होती है। यह एक अजीब सा ही बीजेपी के मन का घोटाला है जिसे बीजेपी वाले कहते हैं घोटाला तो 10,000 करोड़ का है लेकिन 10 रुपए का एक नया नोट भाजपा के लोगों को, भाजपा की एजेंसी को आज तक नहीं मिला। तो मेरा सवाल बीजेपी से यह है कि पानी पी पी कर आप रोज हम पे आरोप तो लगाते हो, यह सोचकर कि आरोप एक दिन आम आदमी पार्टी पर चिपकेंगे, लेकिन देश की और दिल्ली की जनता आपसे पूछना चाहती है कि 10,000 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 10 रुपए की नकद राशि भी अगर मनीष सिसोदिया के घर से मिली हो तो बताइए,
10 रुपए की नकद राशि भी अगर मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर से मिली हो तो बताइए, 10 रुपए की नकद राशि भी अगर मनीष सिसोदिया के पैतृक गांव से मिली हो तो आप बताइए, 10,000 करोड़ के घोटाले लगाने वाले बीजेपी के मानसिक तनाव के शिकार नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि 10 रुपए भी अगर कहीं मनीष सिसोदिया के घर से बरामद हुए हों तो आपको जितनी जांच करनी है करिए। लेकिन इस प्रकार से एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर, एक फैब्रिकेटेड मलिशियस केस बनाकर कीचड़ उछालना बंद करिए। देश की जनता देख सकती है कि आप क्या कर रहे हैं। मैं साफ करना चाहता हूं आपको कि जैसे प्रभु श्री राम को जब वनवास हुआ था और उनके पिता दशरथ जी के देहांत के बाद घर के बड़े बेटे श्री भरत को राज्य अभिषेक करके राजा बनाया गया था, तो भरत जी ने अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम की खड़ाव रखकर 14 साल राज्य चलाया, अपना साम्राज्य चलाया था। आज वैसे ही मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी, एक जिसने शिक्षा के जगत में और दूसरा जिसने स्वास्थ्य के जगत में क्रांतिकारी काम किया, एक दुनिया के सामने मिसाल खड़ी करी, उनकी खड़ाव रखकर उनके दिखाए गए रास्ते पर और उन्हीं के काम को आगे बढ़ाते हुए हमारे 2 नए मंत्री कार्यभार संभाल रहे हैं। और जैसे ही प्रभु श्री राम के वापस आने पर उनका राज्याभिषेक हुआ था, ऐसे ही जब हमारे मंत्री आएंगे वो अपना कार्यभार संभालेंगे।